स्वप्न जागृत ही लगती है टूटने पे कहते हो स्वप्न है जागृत स्वप्न में नहीं रहती है और सच्ची बात तो यह तब तो ये भी याद नहीं तुम कभी ऐसा सपना नहीं देखोगे जिसमें तुम कहोगे कि भाई जागृत में तो मुझे बंबई की ट्रेन पकड़नी थी और मैं तो सोके यहां सपने में कहा घूम रहा हूं पॉसिबल है ऐसा कभी आपने देखा टेलीविजन में कभी कभी दिखाते हैं कोई प्रोग्राम उस प्रोग्राम में कोई टेलीविजन देख रहा है समझ रहे हो टेलीविजन में कोई टेलीविजन देख रहा है और उस टेलीविजन में आगे टेलीविजन में न्यूज आ रही है कि वहां एक्सीडेंट हो गया समझ रहे हो टीवी में टीवी में टीवी हो गया अब कौन सा टीवी सच है और आप एकदम बड़ा ये बिल्कुल जुड़ के वो प्रोग्राम देख रहे थे और वो बड़ा ऐसा रोमांचकारी मौका बना हुआ था इतने में तुम्हारे कमरे का दरवाजा किसी वाले हाय क्या हुआ पहले तो उसको गाली पड़ी कि तूने दरवाजा क्यों खोला तो पर हुआ क्या वो कुछ नहीं वो चल रही वो दरवाजे के पीछे भूतनी है और वो खुलना था दरवाजा और भूतनी ने बाहर आ जाना था तो तुमने खोल दिया उस देखे वाले प्रोग्राम का असर यहां वाले में भी आ गया कि नहीं आ गया आपकी जागृत स्वप्न में नहीं रहती और आपका स्वप्न की स्मृति फिर थोड़ी बहुत जागृत में आ जाती है राइट और रॉन्ग तो जागृत मजबूत हुई ताकतवर हुई कि स्वप्न तो फिर आपको स्वप्न में ही सत्संग और वेदांत सुनना चाहिए ना बड़ी ताकतवर जगह है वो तो जागृत है इसका साक्षी मैं हूं स्वप्न है इसका साक्षी मैं हूं और गहरी नींद हो गई है इसका साक्षी भी मैं हूं अवस्था तीन बदल गई जानने वाला वही को वही इस शरीर के जन्म से पहले भी कहीं शरीर रहा होगा तो उसको जैसे आज वाले शरीर को आप जान रहे हो तैसे शरीर को जान रहे हो किसी ने पूछा कि अच्छा ये शरीर मर गया तो इसके बाद हमारा जन्म शरीर फिर से होगा हम होंगे या नहीं होंगे इसका पता कैसे चलेगा बड़ी परोक्ष बात है ना शरीर के मर जाने के बाद क्या होगा क्या अवस्था होगी कैसे जानेंगे कि हम बचेंगे या नहीं बचेंगे इसका उत्तर ये है अभी तुम हो ये तुम जान रहे हो या नहीं जान रहे हो इस जानने में तुमको किसी की जरूरत है या किसी की जरूरत नहीं है अच्छा कोई बंदूक तान दे तुम्हारी छाती पे और कहे कि तुम नहीं हो तो क्या तुम नहीं हो जाओगे अच्छा तुम बोल भी दो क्या जी मैं नहीं हूं तो ये बोल के भी क्या नहीं हो जाओगे तो जैसे अभी अपने आप को जान रहे हो बिना किसी की सहायता के ऐसे ही तब भी जान लोगे जैसे अब जान रहे हो तैसे तब जान लोगे तो फिर मरने के बाद तुम होगे कि नहीं होगे अब उत्तर दो तुम तो मुझे कैसे पता तुमको कैसे पता है तुमको ये कि तुम होगे शरीर मर जाएगा तो भी तुम होगे कैसे पता कैसे नहीं मैंने कहा कैसे हम्म नहीं तुम तुम हो या नहीं हो कैसे मालूम मैं जानता हूं ये मुझे मालूम है अच्छा मैं हूं इसके जानने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है तो जैसे अब जान रहा हूं तैसे तब जान लूंगा तो चेतन वही का वही है मन बचपन में और तरह से था जब तक सत्संग नहीं सुने थे तब तुम्हारा मन कैसा था अब मन बुद्धि ज्ञान सत्संग सुन रहे हैं तो अब मन बुद्धि कैसे है वही है वैसे के वैसे वैसा मन बुद्धि नहीं रहा यह कौन जान रहा है वो बचपन वाला बेवकूफ मन नहीं है वो झूठ चलाकियां मानने वाला नहीं रहा अब कुछ संयम में मन आ गया है अब थोड़ा शांत मन हो गया है मन की इस बदलती हुई अवस्था को कौन जान रहा है मैं चेतन ही तो जान रहा हूं अच्छा जैसे मैं जान रहा हूं चैतन्य ऐसे ही ईश्वर की उपाधि में क्या था माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर राइट right? भेद था मन और माया का चेतन का भेद तो है ही नहीं वहां पर तो जैसे मैं जानता हूं कि मैं हूं ऐसे ईश्वर भी जानता है और वैसे भी सत्य बात है क्योंकि वो शुद्ध सत्व गुणी है इस नाते अपना आप उसको तो कभी विलुप्त होता ही नहीं है जीव तो फिर भूल जाता इसलिए जीव को गुरु की जरूरत ज्ञान की जरूरत सत्संग की जरूरत ईश्वर को तो जरूरत है ही नहीं अच्छा ईश्वर हमें ढूंढ रहा है कि हम ईश्वर को ढूंढ रहे तो समझना हमको है कि ईश्वर को वैसे एक एक ये भी बात है कईयों की शक्लें ऐसी हैं वो कहते जी हम तो नहीं ढूंढ रहे हैं आप ढूंढवाए जा रहे हो जबरदस्ती हमको भगवान ढूंढ लो भगवान ढूंढ लो सत्य ढूंढ लो सत्य ढूंढ लो हम तो बिल्कुल भी नहीं ढूंढ रहे